सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको सीइंग मशीन के बारे में बताऊंगी। मुझे एक्चुअली काफ़ी टाइम से चाहिए था, बट देन मैंने फाइनलाइज किया कि भाई बहुत हो गया, अब ये लेना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत मुझे ये चलाना आता है, नॉट पर्टिकुलरली ये, बट मैंने ऐसे इंडिया में थोड़ा चलाया हुआ है, थोड़ा ट्राई किया हुआ है। तो मैंने सोचा यहाँ पे एक रहेगा ऐसा सीइंग मशीन तो काफ़ी हेल्पफुल होगा नॉर्मल स्टिचेस या फिर नॉर्मल रिपेयर के लिए, जैसे कि हमारे टॉप्स वगैरह होते हैं, कुछ भी होते हैं उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि घर में कुछ ऐसा हो तो आप कभी भी सिलाई कर सकते हो, कभी भी उसको ठीक कर सकते हो। तो आई थॉट कि ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा तो ये ले लेते हैं। साथ ही साथ मैंने इसके सीविंग किट भी लिया है। तो ये जो प्राइस है वो मेरा हुआ था, ये स्विंग मशीन वॉज अराउंड $100। ये मैंने लिया है कैनेडियन टायर से, जो फॉर्चुनेटली मुझे $100 में मिल गया, अदरवाइज ये थोड़ा अबव रेंज पे जा रहा था। और ये सिंगर का ये मैंने स्विंग किट जो लिया ये था अप्रॉक्स $18 फ्रॉम अमेजोन। तो ये था प्राइस। तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है कि क्या क्या इसमें अंदर है। मशीन के साथ सर फूड पेडलर और अडेप्टर और इसके कुछ टूल्स, ये ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड। फिर यहाँ पे कुछ स्टिचेस के दिए हुए फोटोज़। तो अब चलो खोलते हैं। बहुत हुआ, तो इस बॉक्स के साथ हमें ये इंस्ट्रक्शन भी मिला हुआ है, इंस्ट्रक्शन बुक। तो इंस्ट्रक्शन बुक में सारा कुछ दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है। ये देखो सारा सेक्शन 1, एक्सेसरी स्टैंडर्ड और सारा कुछ दिया हुआ है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है। ये इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में है। काफ़ी हर एक चीज़ दी हुई है इसमें कि कैसे थ्रेड को लगाना है, कैसे अगर वो रिफिल करना है वो कैसे लगाना है, ये सब के बारे में इस बुकलेट में दिया हुआ है। और ये खोलते ही यहाँ पे ये देखो, ये है यहाँ पे पेडलर, अडेप्टर और जो छोटे टूल्स लिखे हुए थे वो लिखे हुए हैं। अब इसको हम खोलते हैं। इसलिए भी यहाँ पे भी इन्होंने टेप लगा रखा है। अच्छा है, सिक्योर्ड है, काफ़ी अच्छे से पैकिंग हुई है। ओ नाइस, इसको सही से यूज करें नहीं तो इससे आपके हाथ कट भी सकते हैं। ओके तो देखते हैं कितना हैवी है। इट्स नॉट दैट हैवी, अच्छा है, बहुत वो नहीं है, बहुत वेट नहीं है इसमें। हमारे इंडिया में कैसा होता था, एक वो टेबल वाला मुझे याद है, टेबल के ऊपर वो ऑलरेडी अटैच रहता था तो उसके लिए वो स्पेशियस काफ़ी था, तो उसको एक पर्टिकुलरली जगह देना पड़ता था कि उसको कहाँ पे रखना है, क्योंकि वो इतना बड़ा इसके टेबल का आई थिंक इतना पार्ट रहा होगा वो, और साथ ही में वो मशीन अटैच रहती थी और नीचे से आप पेडल कर सकते हो और इवन हाथ से ऐसे से घुमा सकते हो। बट आई थिंक इसमें सिर्फ पता नहीं मुझे, बट शायद पैर का कैसे यूज़ होगा। तो यहाँ पे ये देखो दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टिचेस के ये सारे सिंबल्स बने हुए हैं, तो आई थिंक कौन सा आपको स्टिच यूज़ करना है, तो आपको इसको आई थिंक कुछ रोटेट, हाँ ये रोटेट हो रहा है तो ये रोटेट करना होगा, कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा मोड यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे थ्रेड जाएगा हमारा, और यहाँ पे वही जो फिटिंग्स होती हैं वो हम बुकलेट से देख के फिट करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने एक पेपर लगाया हुआ है। तो आई एम इम्प्रेस्ड, अच्छा लग रहा है। और इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे ऐसे कपड़ा रखो, यहाँ पे एक टेबल होगा तो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यूसेज वाइज भी मुझे सही लगा, ना बहुत छोटा ना बहुत बड़ा है। आई थिंक मेरे जैसे लोगों के लिए जिसको बहुत ही टेम्प्ररी यूज़ के लिए चाहिए, कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं मैं, तो मेरे लिए तो आई थिंक
जो मेरा मोटिव है नॉर्मल स्टिचेस रिपेयर ये सब के लिए, तो उस पर्पस के लिए मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा है। बट जो बहुत ज़्यादा ही सीव करते हैं, सिलाई करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हो सकता है उनको इससे बड़ा वाला वर्जन चाहिए हो। तो ये रहा, इसके बाद हम इसको निकालते हैं। तो ये चार्जर है, इसका पॉइंट कहाँ है? ओके, तो इस चार्जर का पॉइंट है यहाँ पे पीछे साइड में, और पेडलर आई थिंक इसको भी फिट करने का देखना पड़ेगा कहाँ पे है। तो ये रहा इसका, और ये जो टूल्स इन्होंने लिखे थे एडिशनल टूल्स, तो वो ये है, ये थ्रेड्स वाला आई थिंक, उसको मुझे पता नहीं क्या एग्जैक्टली बोलते हैं, बट इसमें हम धागे को ऐसे रोल करके रखते हैं जिससे कि वो सिलता जाए सही से। तो इससे मिला हमें इंस्ट्रक्शन बुक, फुट पेडलर, ये है अडैप्टर, और ये है हमारे कुछ बॉबिन्स, थ्रेडर, स्क्रू ड्राइवर और नीडल्स। तो ये रहा हमारा मशीन। अब आई बारी हमारी स्विंग किट के लिए, तो चलो इसको खोलते हैं। $18 का था, 18 प्लस टैक्स, आई थिंक 18.9 है समथिंग का था ये। मैं दूसरा और कंपनी का नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि इसी कंपनी का हो, अच्छे से फिटिंग हो। पता चला दूसरे ब्रांड का ले लिया मैंने और वो फिट ही नहीं हो रहा है, कुछ थ्रेड्स ही नहीं लग रहे हैं, तो इट वॉज बेटर कि मैं यही ले लूँ इसी का। ओ नाइस, काफी इसका आउटर लुक तो काफी क्यूट है, इट्स लाइक अ स्वीट क्यूट बॉक्स। अच्छा अब हम इसको खोलेंगे। ये कुछ दिया हुआ है, और आई थिंक अकॉर्डिंग टू द बॉक्स ये पूरा खुल जाएगा, लाइक फोर वे ओपन होगा ये। तो फिर देखते हैं, ये कुछ लॉक बना हुआ है। कुछ बचा टक से, ठीक है। ये थ्रेड का है, मैंने इतना डीपली यूज नहीं किया है जैसे मैंने आपको बताया, तो मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा आखिर है क्या। ठीक है, ओके ओके। तो ये है थ्रेड्स, लाइक 24 थ्रेड्स हैं अलग अलग कलर के। ये है ब्लैक और रेड, सारे शेड्स हैं। मेरे लिए तो काफ़ी है, क्योंकि मुझे इतना एक्सट्रीम यूज़ नहीं करना है। तो येलो, पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, क्रीम पिंक के डिफरेंट कलर्स, ब्लू के डिफरेंट कलर्स, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ इसमें है नीडल्स, बहुत सारे सॉर्टेड नीडल्स हैं, और ये मेजरिंग टेप है। तो ये देखो, इसमें सारे काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे फिर से ये क्या था, ये थ्रेडर है, ये है, इसमें सेफ्टी पिन्स हैं, और काफ़ी लाइट आ रही है ऐसे करती हूँ। तो ये थ्रेडर है, सेफ्टी पिन्स हैं, ये भी काफ़ी कुछ चीज़ है, इसमें क्लिप्स क्लिप्स हैं, और ये ब्लैक कलर का बटन है। देन यहाँ पे भी काफ़ी वो हैं, हुक्स हैं, यहाँ पे बटन्स हैं, फिर ये बॉबी पिन्स, और फिर ये थ्रेड्स हैं। इसकी क्वालिटी भी मुझे ठीक लग रही है, बट देन यूज़ करके ही पता लगेगा। तो ये था हमारा सीविंग किट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसका सीविंग किट का जो इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया है, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि आप जस्ट एक बॉक्स बना लो, कहीं भी रख दो। तो आई लाइक इट, इजी टू कैरी, और यहाँ पे एक पॉकेट भी दिया हुआ है कि आप कुछ रख सको, तो कुछ भी रख सकते हो। तो ये हुआ हमारा सीविंग किट, और ये है हमारा मशीन। तो ये था मेरा वीडियो सीविंग मशीन और सीविंग किट के बारे में, जो कि मैंने परसों ही लिया है, और ये सीविंग किट कल ही आया। तो मैंने ये वीडियो आज बनाया, जिससे कि मेरे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल रहें जब मैं वीडियो बनाऊं।
तो ये था मेरा अनबॉक्सिंग सीविंग मशीन का। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और आपके पास अगर ये मशीन है तो आप क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, अगर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो क्या है ये भी मुझे बताना, और अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं इस मशीन से रिलेटेड या जैसा भी, तो आप वो भी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।